नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी को फायदा है। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे। सीबीआई का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और उन्हें यह तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था, हमें ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।